लाख लोगों को रोजगार उन वकीलों के माध्यम से मिला है। तो ब्लेम करना चाहिए बेरोजगारी के लिए मोदी सरकार। 10 साल का बच्चा पकौड़े बनाना सीख सकता है, सारे लोग पकौड़े बेचते हैं, हम सब करने की जरूरत क्या है? नौजवान भारत को क्या चाहिए? नौकरियां NRC, PM से लेकर नेता मंत्री सब हैं खामोश क्यों? युवा करते हैं अप्लाई मगर नहीं मिलता रिप्लाई क्यों? आज देश का नौजवान बेरोजगार भटक रहा है सड़कों पर क्यों? रोजी रोटी की जगह उठ रहे हैं ओल जुलूल के मुद्दे। सरकार के पास क्यों नहीं है रोजगार सृजन का प्लान? महंगी पढ़ाई के बावजूद सड़कों पर है देश का भविष्य, गाँव के मुकाबले शहरों में है ज्यादा बेरोजगार। बच्चों के भविष्य को लेकर माँ बाप की बड़ी चिंता। देखिए बेरोजगार भारत के बेबस नौजवानों की ये दास्तान। अभी कुछ साल पहले की ही बात है जब देश के सामने मोदी सरकार ने सालाना 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था। युवा भारत को लगा कि बेरोजगारी के रोग से निजात मिलेगी और भारत का युवा रोजगार से जुड़कर अपने सपनों की सुनहरी जिंदगी जी सकेगा। लेकिन समय बदलता गया, साल बदलते गए, लेकिन नहीं बदला तो हमारे देश के नौजवान बेरोजगारों का इंतजार। सरकार तो छोड़िए, आज देश में प्राइवेट नौकरियों के भी लाले पड़ते हैं। आलम यहां तक पहुंच गया कि वर्तमान में पिछले 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमारे देश में। सुरसा का समूह खोले युवा सपनों को निगलने को तैयार खड़ी। मेरा नाम मोहित कुमार है, मैं बठिंडा रेलवे स्टेशन में कुली का काम कर रहा हूँ। मेरे को 5 साल हो गए रेलवे स्टेशन पर काम करते को। मैं BTech की हुई है मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में फरीदकोट से। मेरी वाइफ भी MTech कर रही है। बेरोजगारी आज हमारे देश में सुरसा का समूह खोले युवा सपनों को निगलने को तैयार खड़ी है। आंकड़ों की बात करें तो देश और दुनिया में आर्थिक सुस्ती गहराने से बेरोजगारी की स्थिति भयावह हो रही है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 2019 के आखिरी 4 महीनों में देश की बेरोजगारी दर बढ़कर 7.5% पहुँच गई। यही नहीं, उच्च शिक्षित युवाओं की बेरोजगारी दर बढ़कर 60% तक पहुंच चुकी है। CMIE के सर्वे को देखें तो ग्रामीण भारत की तुलना में शहरी भारत में बेरोजगारी की दर कहीं ज्यादा है। इसके अनुसार बीते दिसंबर से दिसंबर महीने के दौरान शहरी भारत में बेरोजगारी की दर 9% तक पहुंच गई, यानी शहरों में बेरोजगारी राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है। वहीं ग्रामीण भारत में इस दौरान बेरोजगारी 6.8% रही। यही हाल तब है जब कुल बेरोजगारी में करीब 66% हिस्सा ग्रामीण भारत का होता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक शहरों में शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा है। हैरानी की बात तो यह है कि 20 से 24 साल के युवाओं में बेरोजगारी की दर 37% है, तो वहीं ग्रेजुएट छात्रों में बेरोजगारी की औसत दर साल 2019 में 63.4% तक पहुँच गई थी। साल 2016 में उच्च शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी की दर जहां 47.1% थी, वहीं 2017 में ये 42% और 2018 में 55.1% थी। मतलब साफ है कि बीते साल 2019 में रोजगार और नौकरी का सबसे बुरा दौर रहा है। हाँ जी, थोड़ा सा तो ब्लेम करना ही चाहिए बेरोजगारी के लिए मोदी सरकार को, क्योंकि वो आउट ऑफ इंडिया के बाहर का सोच रहे हैं, इंडिया के अंदर जो हो रहा है उसका नहीं सोच रहे। मतलब कितने बच्चे हैं कितने नहीं हैं वो अंदर का नहीं सोच रहे। ये कह रहे हैं यूथ स्विगी जोमेटो इन सब में डिलीवरी कर रहा है, जबकि पढ़ाई लिखाई में क्या है? पढ़ाई लिखाई में सब कुछ हो, लेकिन उसमें क्यों नहीं जा रहे? है ही नहीं, बेरोजगारी है। सब सारे जो इंडिया का पूरा यूथ है जो डिलीवरी का है, जितना जोमेटो हो गया, स्विगी वगैरह, इन सब में मतलब यूथ घुस रहा है। क्यों? क्योंकि घर की कंडीशन भी कुछ ऐसी हैं और मतलब पढ़ाई में इतना ही पैसा लग रहा है और उसके बाद भी फैसिलिटीज़ इतनी नहीं है। बस भारत में हर बंदा ग्रेजुएट होता चला जा रहा है और लोग कह रहे हैं बेरोजगारी नहीं, बेरोजगारी किस तरीके से आएगी? एक बात बताइए, भारत किस ढंग से काम कर रहा है? अगर हम देखें सरकार किस ढंग से काम कर रही है, आपको लगता है बंदों की जरूरत नहीं है? आपने आधार कार्ड वाला कॉन्सेप्ट चलाया, कितने झमेले हुए। आप जो भी कॉन्सेप्ट चलाते हैं उसको सही तरीके से लागू नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आपके पास अच्छे बंदों की टीम नहीं है, आप नई टीम को रिक्रूट करना नहीं चाहते। आपको मैं बता दूं, गवर्नमेंट कि कोई भी कंपनी कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर्स को हायर नहीं करती, खुद IES में भी कंप्यूटर साइंस ब्रांच नहीं। नौकरी का सबसे बुरा दौर रहा है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 20 से 29 साल के ग्रेजुएट युवाओं में बेरोजगारी की दर 42.8 पहुंच गई है, जो भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार इस साल बेरोजगारों की संख्या लगभग 25 लाख बढ़ जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में लगभग 0.5 अरब लोगों के पास काबिलियत के मुताबिक काम ही नहीं है। रोजगार और सामाजिक रुझान पर ILO की रिपोर्ट बताती है कि बढ़ती बेरोजगारी और असमानता के जारी रहने के साथ सही काम की कमी के कारण लोगों को अपने काम के माध्यम से बेहतर जीवन जीना और मुश्किल हो गया है। तो हुआ कि तो PM कुछ नहीं हुआ, जो बड़े बड़े लोग उनको कुछ दिक्कत नहीं, जो छोटे मोटे लोग थे ना जो रिक्शा चला उनको दिक्कत हुई ज्यादा,
इतने मार वार खाई है सर, चार चार दिन बैंक में भूखे रह के लाइनों में लगे, और मुझे सर असर पड़ा है। मतलब नौकरी तो लिकड़ा है, लगती कौन है? अरे इतनी सारी लोग नौकरी लिकड़ जाए, मेरिट ना लगती, किसी में नंबर ना आता, और किसी में नंबर भी आ जाए उसमें फिजिकल में कार्ड देर बाद में पीछे मांग ले। BSNL भी है, वो भी है, तो उस वजह से जो पब्लिक है वो भड़की हुई है। अब सारे मतलब SSC वगैरह सब इसी में ही जाएंगे। दुनिया भर में बेरोजगार माने गए 18.8 करोड़ लोगों में 16.5 करोड़ लोगों के पास अपर्याप्त वैतनिक कार्य है, और 12 करोड़ लोगों ने या तो सक्रियता से काम ढूंढना छोड़ दिया है, या श्रम बाजार तक उनकी पहुंच नहीं है। जय भीम टीवी के लिए आशीष तिवारी की रिपोर्ट।